वो फिटी हुई कॉफी हर किसी को पसंद होती है, लेकिन घंटों भर वो कॉफी को फेंटना वो किसी को पसंद नहीं होता है। हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सभी के साथ में कैपेचिनो घर पर बनाकर बताऊंगी, लेकिन हम घंटों भर नहीं फेंटेंगे उसे, और उसे हम ब्लेंडर से भी नहीं फेंटेंगे। बहुत ही आसान तरीके से 2 मिनट में मिक्सी में हम फेंट कर तैयार करेंगे हमारी कॉफी को। लेकिन मिक्सी में कॉफ़ी कैसे फेंटना है ये बहुत ही अलग है, तो ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, फिर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि कैसे लगी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉफ़ी बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए कॉफ़ी। यहाँ पर तो मैं नॉर्मल जो कॉफ़ी आती है वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास और अच्छी वैरायटी की कॉफ़ी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम मिक्सी में बनाने वाले हैं तो मिक्सी का जो छोटा वाला जार होता है ना वो ले लीजिए। मिक्सी का छोटा वाला जार ही लीजिएगा। अगर बड़ा वाला जार लेंगे ना तो उसमें हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्वांटिटी कम रहेगी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 4 चम्मच कॉफ़ी, जो खाने वाली चम्मच होती है। कॉफ़ी के साथ में इसमें हम डालेंगे चीनी। मैंने 4 चम्मच कॉफ़ी डाली है तो मैं यहाँ पर 8 चम्मच चीनी डाल दूँगी। ये जो कॉफ़ी और चीनी का 1:2 है ना, इसमें जो कॉफ़ी बनकर तैयार होगी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनकर तैयार होती है। अगर आपको माइल्ड या फिर लाइट कॉफ़ी पीना पसंद है तो आप यहाँ पर 1:3 भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 4 चम्मच कॉफ़ी ली है तो यहाँ पर आप 12 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। अब कॉफ़ी और चीनी डालने के बाद इससे हम पीस लेंगे। तो मिक्सी में इसे हम पल्स मोड में पीसेंगे। पल्स मोड क्या होता है? ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ऐसा करने से जार गर्म नहीं होगा। जब ये हल्की सी पिस जाएगी ना तो इसमें हम डाल देंगे आइस क्यूब्स। नॉर्मली क्या होता है, जब हम बीटर से बनाते हैं या फिर हाथ से भी फेंटते हैं कॉफ़ी को तो हम उसमें पानी डालते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम मिक्सी जार में बना रहे हैं, अगर यहाँ पर हम पानी डालेंगे तो ये गर्म हो जाएगा जार, तो जो आपकी कॉफ़ी है वो अच्छे से नहीं फिट पाएगी। तो यहाँ पर हम आइस क्यूब्स डालेंगे। तो 3 आइस क्यूब्स यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। अब आइस क्यूब्स डालने के बाद इसे अगेन हम पल्स मोड में ही फेंट लेंगे। ऑन ऑफ करते हुए ही फेंटना है। अगर आप इसे कंटिन्यूस फेंटेंगे ना तो ये फिट नहीं पाएगी, बिल्कुल फिस जाएगी और बिल्कुल पतला सा पेस्ट रेडी होगा। पल्स मोड में करने से क्या होगा, ये फिट जाएगी और ये जो आपकी रेडी होगी ना, ये फूली फूली कॉफ़ी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कि हम हाथ से जब फेंटते हैं तो बनकर तैयार होती है। देखिए ये हमारी कॉफ़ी फूलना स्टार्ट हो गई है, आपको यहाँ पर कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है। बस पल्स मोड में इसे और फेंटते जाइए, बिल्कुल बढ़िया कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर 1 आइस क्यूब और डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा। ज़्यादा डालने से फिर ये आपकी जो कॉफ़ी है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी, और जितनी भी ये गाढ़ी हुई होगी ना वो अगेन पतली हो जाएगी। ये आपको ज़रूर ध्यान देना होता है। और बस 2 मिनट लगते हैं और 2 मिनट में ही आपकी कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फिट गई है हमारी कॉफ़ी, और ये देखिए मैं आपको स्पून से भी चलाकर दिखाती हूँ कितनी गाढ़ी हो गई है ना, बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार हुई है जैसे कि बीटर में या फिर जब हम हाथ से फेंटते हैं वैसे होती है। क्या आप बिलीव कर पा रहे हैं कि 2 मिनट में ऐसी कॉफ़ी बनकर तैयार हुई है? और मिक्सी तो हर किसी के घर में होती है, और बीटर हो चाहे ना हो, लेकिन मिक्सी तो हर किसी के घर में होती है, तो हर कोई ये तरीके से कॉफ़ी बना सकता है। और जब 2 मिनट में इस तरीके से कॉफ़ी इतनी गाढ़ी वाली कैपेचिनो आपको बनकर मिलेगी, तो क्यों ना आप यही तरीका हमेशा ट्राई करें कॉफ़ी बनाने के लिए। एक बारी तो ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा रहा ये तरीका। देखिए कितनी गाढ़ी है ना, मज़ेदार। चलिए अब हम बना लेते हैं हमारी कॉफ़ी। और हाँ, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनी है। अगर 2 लोगों के लिए बना रहे हैं ना तो इस तरीके से आप बना लीजिए, फिर एक डब्बे में आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ्ते तक, ये ना बिल्कुल ऐसी रहती है। हाँ, थोड़ी सी नीचे ना तले में कॉफ़ी बैठने लगेगी, तो जब भी आप कॉफ़ी बनाएं एक बारी वापस से 5 से 10 बारी फेंट लें हाथ से ही, और फिर कॉफ़ी बनाइएगा। तो इस तरीके से 2 मिनट में एक बार में बनाकर हफ्ते भर तक आप कैपेचिनो का मज़ा ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल CCD स्टाइल। तो चलिए अब हम बना लेते हैं हमारी हॉट कॉफ़ी। तो यहाँ पर 1 कप में मैं 1 चम्मच भर के ये कॉफ़ी का मिक्सचर डाल रही हूँ। ये आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग पीना पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, अगर बिल्कुल माइल्ड या लाइट पीना पसंद है तो थोड़ा सा कम डालिएगा। और बस इसमें हम डाल देंगे
उबलता हुआ दूध, दूध अच्छा गर्म होना चाहिए। और दूध को डालते टाइम ध्यान रखिएगा उसे ना आप थोड़ी हाइट से डालिएगा। ऐसा करने से क्या होगा ना कि जो कॉफ़ी बनकर निकलेगी वो अच्छी फोमी कॉफ़ी बनकर तैयार होगी। अब बस थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और फाइनली ऊपर से मैं थोड़ा सा ये कॉफ़ी का मिक्सचर और डाल रही हूँ ताकि सुंदर दिखे हमारी कॉफ़ी सर्व करते टाइम। अब बस हल्का सा मिक्स कीजिए और इसे गार्निश करने के लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पर मैं ड्रिंकिंग चॉकलेट कप के ऊपर ड्रिजल कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं आप, एक छन्नी ले लीजिए, उसमें आप ड्रिंकिंग चॉकलेट डालिए और बस थोड़ा सा इसे हिला दीजिए, कितनी बढ़िया तरीके से इसके ऊपर चॉकलेट आ जाती है। अगर ड्रिंकिंग चॉकलेट नहीं है तो आप कोको पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए कॉफ़ी हमारी रेडी है, फाइनली कर देते हैं इसे हम सर्व। देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी कॉफ़ी बनकर तैयार हुई है ना, क्या आप बिलीव कर पा रहे हैं कि ये गाढ़ी कॉफ़ी हमने घर पर बनाकर तैयार की है, वो भी सिर्फ 2 मिनट में, है ना। एक बारी ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।